विश्व में दो पशुपतिनाथ मंदिर प्रसिद्ध हैं, एक नेपाल के काठमांडू का और दूसरा भारत के मंदसौर का। दोनों ही मंदिरों में मूर्तियां समान आकृति वाली हैं। नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यह मंदिर भव्य है और यहाँ पर देश विदेश से दर्शक और श्रद्धालु आते हैं। पशुपतिनाथ का अर्थ होता है जीवन का मालिक। अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप में पशुपतिनाथ मंदिर के विश्व विरासत स्थल की कुछ बाहरी इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, जबकि पशुपतिनाथ का मुख्य मंदिर और मंदिर के गर्भगृह को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंची थी। पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए सन 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। बाद में मल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त कर दिया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी रहे हैं। वर्तमान में प्रचंड सरकार के काल में भारतीय ब्राह्मणों का एकाधिकार खत्म कर नेपाली लोगों को पूजा का प्रभाव सौंप दिया गया। यह मंदिर रोज सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। केवल दोपहर के समय और शाम 5 बजे मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर में जाने का सबसे उत्तम समय सुबह जल्दी और देर शाम का होता है। पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने के लिए कम से कम 90 से 120 मिनट का समय लगता है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं ये पांचों मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुंह को तत्पुरुष और दक्षिण की ओर वाले मुंह को सद्ज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं। दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुंह ऊपर की ओर है उसे ईशान मुंह कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं। ये चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार की ठीक सामने शिव जी के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। यह मंदिर हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का एक अच्छा मिश्रण है। मुख्य पगोड़ा शैली का मंदिर सुरक्षित आंगन में स्थित है, जिसका संरक्षण नेपाल पुलिस द्वारा किया जाता है। यह मंदिर लगभग 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 518 मंदिरें और स्मारक सम्मिलित हैं। मंदिर की द्विस्तरीय छत का निर्माण तांबे से किया गया है, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। भीतरी गर्भगृह वह स्थान है जहां पर महादेव शिव की प्रतिमा स्थापित है, जबकि बाहरी गर्भगृह एक खुला गलियारा है। भीतरी आंगन में मौजूद मंदिर और प्रतिमाओं में बासुकीनाथ मंदिर, उन्मत्ता भैरव मंदिर, सूर्यनारायण मंदिर, कीर्तिमुख भैरव मंदिर, बुदानील कंठ मंदिर, हनुमान मूर्ति और 184 शिवलिंग मूर्तियां प्रमुख रूप से मौजूद हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर आर्य घाट स्थित है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। पशुपतिनाथ मंदिर के संबंध में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। इस मंदिर का संबंध केदारनाथ मंदिर से है। कहा जाता है जब पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले तो शिव जी ने भैंसे के स्वरूप में उनको दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए। लेकिन पूर्णतः समाने से पहले भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जबकि जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। सभी प्राणियों को अपने जीवन काल में महादेव के इस पशुपतिनाथ मंदिर और केदारनाथ का दर्शन जरूर करना चाहिए।